तो उस गांव का सबसे बड़ा मकान आप ही का हो तो पूरा गांव आपका दुश्मन होगा। अब आप पूछेंगे क्यों? आपने अपनी मेहनत से बनाया, परंतु पूरे गांव में आपके प्रति ईर्ष्या हो, लोग बातें बनाएंगे कि बेईमानी के कमाई से चोरी करके महल खड़ा कर लिया। कभी आपके मकान में अगर आग लग जाए तो वह पूरा गांव आपके पास आएगा और आपको सहानुभूति देगा कि आपके साथ कितना बुरा हो गया। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आपके साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन मन ही मन में प्रसन्न हो रहा होगा। मैं तो कहता था ये पाप की कमाई से बना है, एक ना एक दिन जरूर जलेगा। अंदर ही अंदर वह मन प्रसन्नता से भरपूर है, लेकिन आपको सहानुभूति भी जरूर देगा। सहानुभूति इस प्रकार से देगा कि आपको लगेगा कि इससे बड़ा मेरा हमदर्द ही कोई नहीं, लेकिन मन ही मन वह बहुत प्रसन्न है और पूरे गांव में ढिंढोरा पीटेंगे, एक दूसरे से चुगली करेंगे। मैं कहता था ना कि यह पाप की कमाई है, एक ना एक दिन इस मकान में आग लगेगी ही लगेगी। आप किसी का मन नहीं बदल सकते। निंदा करना लोगों का काम ही है। आप मस्त होकर अपने ध्यान लगाइए। आपको इस संसार में सब कुछ प्राप्त होगा। अगर आपका झोपड़ा होता तो क्या यह लोग आपसे प्रसन्न होते? नहीं। चाहे आपका झोपड़ा है चाहे महल है, यह दुनिया वाले आपको परेशान करेंगे ही करेंगे। आप मस्त होकर अपना काम पर ध्यान दीजिए, विजय आपकी होगी। आपको विजय से कोई नहीं रोक सकता, विजय आपकी निश्चित है। चिंता ना कीजिए।